आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। क्या बरेलवियों की अहले हदीसों के पीछे नमाज होती है या अहले हदीसों की बरेलवियों के पीछे नमाज होती है? अर्ज कर दिए। हाँ, कुछ अकीदे के लिहाज से इख्तलाफात हैं, कुछ हैं फरूई इख्तलाफात हैं। नमाज के शरायत में से एक शर्त ये है कि इमाम का और मुक्तदी का अकीदा एक होना जरूरी है। किड्डी वड्डी कहानी। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अहले हदीस हजरात हैं अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़े, जो अहले सुन्नत वाले सुन्नत के पीछे पढ़े। काफिर है ने पर कमांगे नहीं, लड़ाई ना पवे। अब यो जो मिर्जा इंजीनियर जो है, तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। वो जो एक बात कहता है जी, बाबे तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, कि जी ये उनके पीछे नमाज पढ़े, ये उनके पीछे नमाज पढ़े, ये उनके पीछे क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं। मेरे बुक्स के अंदर यकजान हो चुके हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि चले, सदियों से हमारी ख्वाहिश थी कि उम्मत में इत्तेहाद हो, तो इत्तेहाद हो गया, बरेलवी भी इकट्ठे हैं, सारे माशाल्लाह इकट्ठे हो गए। उसको पूछो तू किन के पीछे नमाज पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? कोई उसको ये कोई वीडियो दिखाए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। लेकिन जब बारिश ना हो रही हो तो हम कभी किसी फरिश्ते को दुआ के लिए नहीं पुकारते, अगरचे उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई, ड्यूटी अल्लाह ने लगाई, हम अल्लाह को पुकारते हैं, सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। चार बाई चार का कमरा बनाया हुआ है भाई, कमरे जितना कदे जाना मेहरबानी करके। ठीक है, जिस तरह वो मारवी शर्मा थे ना, वो कहती है मेरा जिसम मेरी मर्जी, साड़ी मर्जी ऐसी जो मर्जी कभी है। तो इसका ये है कि मेरा दीन मेरी मर्जी। हमें नबियों वाला दीन चाहिए, बाबों वाला दीन नहीं, किताबों वाला दीन। इसको कहो कि वो हुजरे से बाहर तो निकल, वो सारे मौलवी इकट्ठे होके कटो ना। मुफ्ती तारक मसूद साहब इसको मिलने के लिए गए हैं, ये कमरे से बाहर नहीं निकला है। मजा आया। मैं आपके चैनल की वसात से बड़े बड़े हमारे चोटी को लमा कराम है, वो कितने तुम्हारे मुफ्ती मार गए ने? मिर्जा इंजीनियर जो है, मिर्जा मंगोली, उसका मेरे साथ एक दफा टाकरा करवा दें। और ये मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूं कि जी इंजीनियर सामने नहीं बैठता, इंजीनियर इंजीनियर सामने के तुम्हारे कार वाड़ के बह गए इंजीनियर। वो मेरे साथ बैठ के इल्मी गुफ्तगू कर ले। यार मेरे सामने बैठने से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपको जवाब आ जाएंगे। वो कहता है कि आप अपने बड़े उलमा से ये स्टैंप लगवा लें कि अगर आप हारे, जब स्टैंप लगवा लें कि अगर आप हारे तो उनकी हार होगी। टाइम क़यामत तक जे उनको कह के आए हमारे साथ डायरेक्ट। मैं उसको ये चैलेंज देता हूँ कि अगर वो मेरे साथ बैठ के इल्मी गुफ्तगू करे, बदतमीजी ना करे, जिस तरह उसकी चरब जबानी है, बदतमीजी ना करे, तो वंडा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। मेरे साथ वो इल्मी गुफ्तगू कर ले। बहादुर साहब क्या कमाल किया, कितने सो पहले इंजीनियर साहब ने साड़ा बड़ा मजाक उड़ाया, तुसी कितने सो? जिस बंदे को ऊपर से देख के कुरान भी ना पढ़ना आता हो और वो एतराज करे इमाम काबा पर, और दूसरा अगर मुझे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, ना मुझे कुरान का पता, ना हदीस का पता, तो तुम्हारी नींदें क्यों रात की हराम हुई नहीं है? मुझे मारो, एक जाहिल आदमी से तुम्हारे पास ना पढ़ा है। उसको मेरे सामने बैठा दे, बकवास बंद। अगर मैंने उसको नंगा ना किया, फिर वो जो उसके स्टूडेंट है ना, वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को तो जो बेचारे जज्बाती किस्म के हैं ना, वो वीडियोस देख के गुस्सा आता है। जो मेरे साथ बैठने वाले हैं ना, वो मेरे साथ बैठ के हंसते हैं सिर्फ वीडियोस देख के। हाल ही के अंदर एक उसका तो मानने वाला था, उन्होंने मंजी भी ठोकी है, तो भी मंजी ठोक देती है। वो कहने लगा जी इमाम के पीछे किरात करनी चाहिए। जी जनाब, मैंने कहा कि हमारा जो आले सुन्नत का मौका भी है कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी चाहिए, बड़ा ही औखा काम है। कहने लगा जी कोई दलील दे। इसको कहते हैं पक्की वाली दलील। तो मैंने कुरान से जब उसको दलील दी, तो वो आगे से भला क्या कहता, कहता ये तो ज़ईफ है, अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं। और मैंने कहा ज़ईफुल अक़ल, ये कुरान की आयत है। कहते फिर ठीक है।